Learning with Earning, world's first live freelancers training portal, providing online top-rated trainers with exclusive live sessions on freelancing skills in Pakistan, USA, and Canada. Let's learn and earn from your home. Let's start. So basically, आपने क्या किया कि आपने प्रोडक्ट्स को वैल्यूएट कर लिए सैंपल्स जो कि आपके पास आए थे और आपने ये भी चूज कर लिया कि उसमें से जो आपने ओबीसी कोई प्रोडक्ट चूज की होगी उसमें से आपने एक से ज्यादा सप्लायर से सैंपल्स मंगवाने हैं ताकि आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हों कि कल को अगर आपकी प्रोडक्ट चल जाती है तो आपने सिर्फ एक सप्लायर से ही नहीं लेते रहना क्योंकि अगर कल को वो सप्लायर आपको स्टॉप रिस्पोंडिंग करता है तो आप स्टक हो जाएंगे क्योंकि आपका बिजनेस स्टक हो जाएगा और यू कांट रिलाई ऑन वन बेसिकली. सो इस तरह से आपने डिफरेंट सप्लायर से सैंपल मंगवाकर प्रोडक्ट को टेस्ट करना है और टेस्ट करने के बाद आप बेसिकली उस प्रोडक्ट को चूज करेंगे. रिमेंबर बेसिकली कि इट डजंट मीन कि ये आपकी परफेक्ट प्रोडक्ट अगर नहीं है तो डजंट मैटर. इट डजंट मीन कि अगर आप समझते हैं कि इट्स एक्सेप्टेबल लेट्स स्टार्ट इट बिकॉज अदरवाइज आप सारी जिंदगी सैंपल्स ही मंगवाते रहेंगे. तो इसमें यह कि लेट्स बिगिन इट एटलीस्ट इफ यू थिंक दिस इज एक्सेप्टेबल प्रोडक्ट. अगर बहुत ही कोई मसला है बहुत ही कोई इश्यू नजर आ गया आपको देन ऑब्वियसली यू कैन थिंक अबाउट गेटिंग अनदर सैंपल फ्रॉम अनदर सप्लायर एंड ऑल दिस राइट. सो एंड ऑल्सो आपने ये मेक श्योर करना है कि इम्पोर्टेंट थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने हाईएस्ट प्रॉफिट मार्जिन प्रोडक्ट्स बेसिकली को चूज करना है और ऑब्वियसली उसकी ये कि लो कॉस्ट हो. ये नहीं कि आप कोई सप्लायर से कोई ऐसी चीज पिक कर रहे हैं जिसकी जो प्राइस है वो $10 से ऊपर है. नेवर एवर गो फॉर ऑलवेज पिक फॉर समथिंग जिसकी प्राइस $2 से $5 तक है. सो नेवर गो अबव $5 or $6 इनिशियली इन योर फर्स्ट ऑर्डर. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अदरवाइज आपका सारा जो है कॉस्टिंग इनिशियली सारी आप को इनिशियली इश्यूज आएंगे आपके बजट्स में अगर आपका बहुत ज्यादा बजट नहीं है तो. अच्छा इसके बाद लेट्स मूव ऑन. सो इसमें ओबीसी आपने क्या करना है क्योंकि ओबीसी जैसा कि हमने वहां पहले देखा था कि हमने ये सब कुछ जो हम कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं प्राइवेट लेबल. प्राइवेट लेबल का ओबीसी लास्ट टाइम हमने काफी डिस्कस किया था डिटेल्स में कि प्राइवेट लेबल क्या होता है. प्राइवेट लेबल्स ये कि आपका जो ब्रांड नेम है वो बेसिकली क्या होगा कि आपका ब्रांड नेम उस प्रोडक्ट के ऊपर डिस्प्ले करना है आपने. सो आपने फॉर एग्जांपल लेट्स पिक लेट्स सी सम रियल टाइम एग्जांपल्स ऑन amazon.com. लेट्स मेक सम अजम्पशंस कि आप जो है वो पिक किया अगर किसी ने पिक किया है जी पावर बैंक फॉर एग्जाम्पल या फॉर एग्जाम्पल ये वाला वॉल चार्जर. अगर किसी ने वॉल चार्जर को पिक किया एज देयर प्रोडक्ट आपने वॉल चार्जर के ऊपर लेट्स क्लिक ऑन दिस. ओके सो इस वॉल चार्जर के ऊपर आप जैसा कि देख रहे हैं एंकर लिखा हुआ है इस वक्त. अब इस तरह इसी प्रोडक्ट अगर आपने कोई इसी तरह की प्रोडक्ट को चूज किया है आपने अपना जो ब्रांड नेम चूज किया होगा उसको यहाँ पर या कहीं भी आप बेहतर समझते हैं उस प्रोडक्ट के लिहाज से वो कहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए. तो बेसिकली आपने इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब ब्रांड नेम को पिक करें तो इतना बड़ा भी ब्रांड नेम पिक ना कर लें. ये नहीं कि आप पूरा नाम लिख लें कि जी जैसे फॉर एग्जाम्पल लर्निंग विद अर्निंग है इट्स वेरी बिग नेम. यू शुड नेवर गो फॉर लर्निंग विद अर्निंग नेम क्योंकि आपको कल को ये प्रोडक्ट पे अगर डिस्प्ले करना है तो आप लर्निंग विद अर्निंग नहीं कर सकते बट मे बी यू कैन डिस्प्ले LWE. कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि हम सिर्फ ब्रांड का सिर्फ लोगो डिस्प्ले करेंगे प्रोडक्ट के ऊपर और बड़ा नाम और लंबा जो नाम होगा वो हम पैकेजिंग के ऊपर डिस्प्ले करेंगे. ये भी इट्स जस्ट बेस्ड ऑन योर नेचर बट आई ऑलवेज गो फॉर वेरी स्मॉल एंड शॉर्ट नेम 5 to 6 करेक्टर्स लाइक ब्रांड नेम बट यू कैन इट्स योर चॉइस बेसिकली. एंड ऑल्सो ये मेक श्योर करना है कि आपको उसकी डोमेन नेम अवेलेबल हो. ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे कि अगर टाइम मिला आपको और मुझे टाइम मिला इस सेशन में या बाद में तो उसमें ये होगा कि हम लोग आपको जैसे Shopify का एक Shopify की इंटीग्रेशन Amazon के साथ करके दिखाएंगे ताकि आप बाद में क्या करेंगे उसी डोमेन पे
Amazon की इंटीग्रेशन Shopify के साथ, जो जो लोगों को Shopify का नहीं पता, इट्स मोर ऑफ लाइक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म जहां से आप बेसिकली अपनी प्रोडक्ट्स को ऐड करते हैं और फिर शिप भी कर सकते हैं वाया Amazon. सो अगर Shopify पे ऑर्डर आता है तो आप सिर्फ जस्ट वन क्लिक और Amazon फुलफिल करेगा, ठीक है, Amazon Shopify के साथ लिंक हो चुका होगा. Amazon अपनी API अलाउ करता है Shopify के साथ इंटीग्रेशन के लिए. तो हम ये भी देखेंगे अगर हमें अगले कुछ सेशन में टाइम मिला, तो आप बेसिकली डिफरेंट चैनल्स पे सेल कर रहे होंगे अपनी सेम प्रोडक्ट, बट सिर्फ और सिर्फ Amazon ही इसको फुलफिल कर रहा होगा, क्योंकि Amazon इट्स अ वेयर हाउस बेसिकली जहाँ आपकी सारी प्रोडक्ट्स हैं. सो आप उसके साथ ड्रॉप शिपिंग भी कर सकते हैं और भी बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो इस टाइम वेयर हाउस Amazon के वेयर हाउस में पड़ी हैं. सो इट्स बेसिकली अप टू यू हाउ यू यूटिलाइज वन सोर्स. ऑब्वियसली कुड बी Amazon जो कि इटसेल्फ इज बिग जायंट, बट देयर आर मेनी अदर सोर्सेज एज वेल. सो अगर कोई डोमेन अवेलेबल नहीं है तो बेसिकली यू पिक समथिंग एल्स. What you want is just expand your brand and have web presence, right? Because obviously, लोग क्या करते हैं कि कुछ लोग buy करने से पहले हमेशा search भी करते हैं कि ये brand क्या, इसकी website है या क्या है, या website के बगैर है. I know many people in Pakistan, actually, one of my friend actually, he has been selling on Amazon from the last 1 year and he never made a website. So इसमें ये नहीं है कि ये it's very important कि compulsory नहीं है. If you do not have budget right now, you don't need to. But it's always good practice and recommended to at least register a domain name. But time mile to aap Shopify pe bhi kaam karna shuru karne se. But don't just divert your focus on just focusing on Shopify, because you have lot of things to do as well when your product goes live. Also make sure कीजिए कि ऐसा नाम जो आपने choose किया कोई Amazon पे already तो नहीं है sell कर रहा है इस नाम पे, क्योंकि otherwise there's no point of spending time. Or step four is basically you also think about, it's not compulsory to have trademark. It's just basically agar aapko kal ko aapki product jo hai, jaise anchor wale hain, unki product chal jati hai ya aapki product chal gayi hai, to log din mein 500,000 units buy kar rahe hain. To isme issue ye hoga ki jaise Amazon mein ek functionality kya hai, sell yours. Amazon basically allow other people to sell the same product as well. Amazon कहता है कि अगर आपके पास इस तरह की प्रोडक्ट है जिसपे एंकर लिखा हुआ है, इस तरह की प्रोडक्ट लोग चाइना से क्लोन करवा लेते हैं वो प्रोडक्ट्स, बिकॉज वो देखते हैं यार इसका बेस्ट सेलिंग रैंक जो है वो तो ऑलरेडी काफी चल रहा है, तो हम इसी तरह की प्रोडक्ट लेके इसके अंडर लिस्ट कर देते हैं. जैसे आप देख रहे हैं इसका इस वक्त एक सेलर है, तो फिर क्या होगा, जो दूसरे लोग आपकी प्रोडक्ट को कॉपी करेंगे वो यहाँ पे सेल ऑन Amazon करके यहाँ पे लिस्ट कर देंगे. और ये जो एड टू कार्ट बटन है, ये एड टू कार्ट बटन उस प्रोडक्ट को ऐड करेगा जिसकी प्राइस कम होगी. और भी काफी चीजें होती हैं कि बाय बटन को हासिल करने के लिए, बट बेसिकली प्राइस अगर कम है या और चीजें उसकी डिफरेंट है तो वो आपका ऐड टू कार्ट बटन ले जाएगा आपकी लिस्टिंग का. तो उसको कैसे अवॉइड किया जा सकता है कि आपको ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करना होगा. ट्रेडमार्क इज बेसिकली ब्रांड रजिस्ट्री, अभी हम आगे बात करते हैं, बट ट्रेडमार्क इज लाइक आपका ब्रांड नेम कोई भी और यूज नहीं कर सकता. मींस कि अगर आपका एंकर ब्रांड नेम है तो आपने इस नाम से रजिस्टर्ड कर लिया एक ब्रांड नेम, और इसको अगर कल को कोई भी यूज करता है तो आप उसको लेटर, लीगल लेटर जो कि ट्रेडमार्क किया वाले ही प्रोवाइड करते हैं, या और भी लेटर्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा. मेरे पास भी काफी लेटर्स पड़े हैं इस तरह के टेम्पलेट्स जो कि आप उस सेलर को भेज सकते हैं, और वो सेलर बेसिकली अगर नहीं उतारता उस वक्त तो आप Amazon को कंप्लेन करेंगे और Amazon उस सेलर को आपकी प्रोडक्ट से उतार देगा ताकि आपकी सेल को इम्पैक्ट न करे. सो फॉर एग्जांपल अगर आप चूज कर रहे हैं कि लर्निंग अर्निंग, राइट, सो आपने अगर ये ब्रांड नेम चूज किया, आप सर्च कर रहे हैं कि क्या ऐसा कोई ब्रांड नेम एग्जिस्ट तो नहीं करता. अगर वो नहीं एग्जिस्ट करता तो वो कहेगा कि भाई नहीं एग्जिस्ट करता. अगर एग्जिस्ट करता है तो आपको नहीं अलाउ करेगा वो रजिस्टर्ड करने में. तो इस तरह से बेसिकली इट्स अ बिट ऑफ स्लो एट द मोमेंट, बट ये अभी आपको रिसर्च रिजल्ट्स में ये आगे जाके शो करेगा, राइट. सो इस तरह से बेसिकली एज यू कैन सी, राइट. सो इसमें अर्निंग, फोर लर्निंग, इस तरह के सिमिलर रजिस्टर्ड हैं जैसे कि आप देख सकते हैं. ओके, लेट मी रीड फ्यू क्वेश्चंस. सो प्रॉफिट मिनिमम मैक्सिमम कितना होना चाहिए? आई ऑलवेज रिकमेंड ऑलमोस्ट 40% होना चाहिए एटलीस्ट मिनिमम, अगर आप प्रॉफिट कैलकुलेट करना है किसी प्रोडक्ट का. लास्ट टाइम मैंने काफी डिटेल में बताया था कि किस तरह से आप अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं पर प्रोडक्ट. बट ऑब्वियसली अगर आपने
अमेजोन का भी देखना है कि अमेजोन किस तरह से आपका वो कैलकुलेट करता है प्रॉफिट मार्जिन. तो देर इज अ पेज एज वेल विच एक्चुअली यू कैन सी कि अमेजोन अपना एक कैलकुलेटर भी प्रोवाइड करता है. सो अमेजोन अपना कैलकुलेटर प्रोवाइड करता है जिसमें आप अपनी प्रोडक्ट प्राइस डालते हैं, तो वो बेसिकली आपको बताता है कि आप कितने सेव करेंगे इस प्रोडक्ट के अगेंस्ट. मैंने लिंक ये शेयर किया. अमेजोन को शॉपिफाई के साथ लिंक करना है, शॉपिफाई को अमेजोन के साथ लिंक करना है. बाद में अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रोडक्ट डिफरेंट वेबसाइट्स पे अवेलेबल हो और अमेजोन से लिंक हो, क्योंकि वेयर हाउस में अमेजोन के पास पड़ी हुई है, तो अमेजोन बेसिकली वो शिप करेगा. उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आपको आज का टॉपिक भी समझ आया होगा. जो चीज़ें आपने समझी हैं वो नोट्स की फॉर्म में भी अवेलेबल हैं. मेक श्योर आप ये वीडियो को बार बार रिप्ले करें जब तक आपके जहनों में डाउट्स क्लियर नहीं हो जाते. अगर आपके जहनों में फिर भी कोई क्वेश्चन क्यूरीज या कोई प्रॉब्लम आपको दरपेश आ रही है तो आप गूगल और यूट्यूब भी यूज़ कर सकते हैं उसे सॉल्व करने के लिए, उसका सोल्यूशन निकालने के लिए. अगर उसके बाद भी आपकी प्रॉब्लम या आपकी डिफिकल्टी सॉल्व नहीं होती तो आप हमें लर्निंग विद अर्निंग के पेज पर भी इनबॉक्स कर सकते हैं. उसके अलावा आप हमारी ऑनलाइन सपोर्ट से भी रब्ता कर सकते हैं. मेक श्योर कि आपको एक टॉपिक क्लियर हो उसके बाद ही आप नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करें. आप हमारा ऑनलाइन क्विज क्लियर करें, आप हमारा ऑनलाइन टेस्ट क्लियर करें, उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट अलॉट किया जाएगा, उसके बाद ही आप नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर सकते हैं. अल्लाह.